हेलो टीचर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लैंग्वेज एकेडमी। अमित कुमार समी, कैसे हैं आप लोग? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डी प्लस बी ई एम आर एस टी जी टी सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसका पार्ट थर्ड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर भी। इस पीपीटी को मैंने पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने दो क्वेश्चन दिए थे, किसी का रिप्लाई नहीं आया तो सोचा मैं आंसर दे दूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे, ठीक है। तो मार्टिन लूथर किंग, ये भी रंग भेद विरोधी थे, महात्मा गांधी भी रंग भेद विरोधी थे, और ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये भी रंग भेद विरोधी थे। तो कई बार क्या आता है, तो जो नहीं थे, जाहिर सी बात है यही है, जो जेड गुड़ी थे ये नहीं थे रंग भेद विरोधी। कई बार क्वेश्चन हमें घुमाकर पूछ लिया जाता है तो हमें देखना पड़ता है, इसीलिए क्वेश्चन दिया था ताकि चेक कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर टू, ये दिया था कि ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा था। तो ये उभरा था 1966 में उभरा था, ध्यान रखना। अब ब्लैक पावर आंदोलन जो था वो अफ्रीकी अमेरिकी आंदोलन था, दूसरी बात ये नस्लवाद के ऊपर आंदोलन था, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये पहला उग्र आंदोलन था। इससे पहले जो थे वो अहिंसावादी आंदोलन हुए थे, ये पहला आंदोलन था जो उन्होंने कहा कि अपनी अस्मिता को बचाने के लिए अगर हमें उग्र रूप भी अपनाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्लैक पावर आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आज के क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लोकतंत्र में देखने को मिलता है क्या, देखने को मिलता है, ये मिलता है टकराव और विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करते हैं, ठीक है। अलग अलग, जब अलग अलग लोग आपस में मिलेंगे तो उनमें बीच में टकराव भी होगा और विभिन्नताएं भी होंगी, तो उसमें जब सामंजस्य स्थापित करते हैं ये लोकतंत्र में बहुत देखने को मिलता है, यही चीज है। क्वेश्चन नंबर टू, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर राजनीतिक झगड़ों के कारण विघटन का सामना करना पड़ा। तो यह है ऑप्शन सी, यूगोस्लाविया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अफ्रीकी अमेरिकी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यह किया जाता है अफ्रीकी जिन्हें गुलाम के रूप में अमेरिका लाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं, भारत में कौन सा समुदाय संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेतों की तरह कमोबेश उसी स्थिति में है। तो किस, कौन है, यह है दलित वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बेल्जियम की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो यह फ्रांस से भी लगती है, नीदरलैंड से भी लगती है, जर्मनी और लक्जमबर्ग से भी लगती है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लीजिए, सिक्स चिली में पिनोसे का सैनिक शासन कब समाप्त हुआ, बता सकते हैं। 1988 में चिली में पिनोसे का सैनिक शासन कब समाप्त हुआ, 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था, किसने किया था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट, राष्ट्रवादी और ब्रिटेन सरकार कब एक समझौते पर पहुंचे, ये 1998 में पहुंचे थे, कब पहुंचे थे, 1998 में। क्वेश्चन नंबर नाइन देख लीजिए, इनमें से कौन सा अन्य समुदायों की मांगों को समायोजित नहीं करने के उदाहरण है। देखिए, श्रीलंका में अन्य समुदायों की मांगों को नहीं अपनाया गया इसलिए वहां पर आंदोलन हुए, यूगोस्लाविया में भी यही हुआ था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ए और डी दोनों में यही चीज हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण प्रारंभ होता है कब से। भारत में जब लोकतंत्र का वर्तमान स्तर स्टार्ट हुआ था वो 1980 के दशक में स्टार्ट हुआ, 1980 से। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा उत्तरी आयरलैंड के प्रोटेस्टेंटों के बारे में सच है, ठीक है। तो ये, ठीक है, ये यूनियनिस्ट पार्टी, जो यूनियन पार्टी थी, द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए थे और ये ब्रिटेन के साथ बने रहना चाहते थे ये,
ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये दोनों चीजें सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, निम्न में से कौन सा संघ के रूप के प्रमुख राजस्व स्रोत के अंतर्गत नहीं आता? क्वेश्चन दोबारा सुनिए, निम्न में से कौन सा संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत के अंतर्गत नहीं आता? ये नहीं आता कृषि, कृषि भूमि पर कर, ठीक है। और ये कृषि भूमि का कर ये किस अनुसूची में आता है? तो ये राज्य सूची में आता है, ठीक है, राज्य सूची में आता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो ये है जनता को, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर, ठीक है। देखिए, पहला, कुछ सामाजिक मतभेदों के परिणाम स्वरूप सामाजिक विभाजन हो सकता है, पहला। उसके बाद है सेकंड है, अधिकांश देश में किसी न किसी प्रकार का सामाजिक विभाजन मौजूद है, जाहिर सी बात है। तीसरा है, पार्टियों के सामाजिक विभाजन की अपील करके राजनीतिक समर्थन हासिल करने का प्रयास करती है, कौन? राजनीति, ठीक, पार्टियां। फोर्थ है, लेकिन सामाजिक विभाजन की सभी राजनीतिक अभिव्यक्तियां हमेशा खतरनाक नहीं होती हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, किस राज्य की सरकार ने 22 सितंबर 1969 को डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में, गौर से क्वेश्चन सुनिए, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। तो किस राज्य की सरकार ने 22 सितंबर 1969 को डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में राज्यों को अधिक स्वायत्ता प्रदान करने के लिए सुझाव देने हेतु राजमन्नार समिति का गठन किया? तो ये क्या, तमिलनाडु की सरकार ने, किसकी सरकार ने? तमिलनाडु की सरकार ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, समान प्रकार के लोगों के साथ समाज को क्या समाज सॉरी समान प्रकार के लोगों के साथ समाज को क्या कहा जाता है? समरूप कहा जाता है, क्या कहा जाता है? समरूप। नेक्स्ट 17 देख लीजिए, सामाजिक विभाजन से निपटने में लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं, तो ऑप्शन डी देखिए, लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज के विघटन की ओर ले जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर अलग अलग चीज़ें होंगी वहाँ पर, लोकतंत्र में हमेशा समाज की विभाजन, अगर समाज में अलग अलग समाज के लोग रह रहे हैं तो वहाँ हमेशा विक्टन ही होगा, ये जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रशासनिक सुधार आयोग में केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन एवं सुझाव देने के लिए कौन सी समिति 1966, दोबारा से सुन लीजिए, प्रशासनिक सुधार आयोग में केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन एवं सुझाव देने के लिए कौन सी समिति 1966 में नियुक्त की? उस समिति ने संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों को अधिक स्वायत्ता प्रदान करने की सिफारिश की, आप बताओ किसने किया? अभी पहले क्वेश्चन आया है, तो ये राजमन्नार समिति कब आई थी? 1969 में, 1969 में, और इसका आंसर है शीतलवाड़ समिति, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसलिए बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? ऑप्शन डी, आर्थिक समृद्धि और विकास, जहां पर ये चीज होगी वहीं पर लोकतंत्र आसानी से मिलने की संभावना हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, आज विश्व में अधिकतर देश कैसे हैं? वो बहुसांस्कृतिक हैं, कैसे हैं? बहुसांस्कृतिक हैं। यहीं पर मैं आपको एक दोबारा एक चीज़ बोलूँगा, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिए मत कीजिए बट लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और दूसरी बात, प्लीज़ बुक्स पढ़िए, सिर्फ MCQ से काम नहीं चलेगा।
ठीक है, एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, रट के जाइए, एक बार रीड आउट कर लीजिए ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। केंद्र राज्य संबंधों में के संपूर्ण ढांचे पर विचार करने के लिए रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया? ये किया गया था 24 मार्च 1983 को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। नए राज्यों का गठन एवं राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार के संशोधन प्रक्रिया के तहत किया जाता है? तो ये किया जाता है साधारण विधि द्वारा संशोधन की प्रक्रिया, साधारण विधि द्वारा संशोधन की प्रक्रिया से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो निगम कर, ये निगम कर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए इनमें से किन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहा है? ठीक है, तो ये नहीं कर रहा है राजनीतिक विज्ञापनों पर सेंसर लगाना। इस चीज को करना चाहिए मेरे ख्याल से, बहुत ज्यादा प्रमोशन होता है। 25, सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो ये की थी 1987 में, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति अंतरजातीय परिषद का गठन करेगा? बताइए। तो ये है आर्टिकल 263 में, ठीक है, अनुच्छेद 263 में। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। निम्नांकित में चुनाव आयोग की किन भूमिकाओं से आप सहमत नहीं हैं? पहला है, चुनाव में सरकारी मने जो मशीनरी होती है उसके दुरुपयोग पर रोकथाम हो। बिल्कुल, ये बात सही है, ये होनी चाहिए। दूसरा है, फोटो पहचान पत्र एवं अन्य निर्धारित किए गए पहचानों के आधार पर ही मतदान कराने की व्यवस्था हो, ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड है, चुनाव आयोग को चाहिए कि मतदाताओं के साथ साथ मतदान कर्मियों की सुरक्षा की भी पुख्ता प्रबंध करें, ये बिल्कुल ये भी होना चाहिए। अब बचा फोर्थ, तो फोर्थ तो वैसे ही सही मतलब ऑप्शन है जो हमें जिससे हम सहमत नहीं हैं। जैसे, चुनाव आयोग को चाहिए कि वह राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवार तय करने की आवश्यकता हस्तक्षेप करे, आवश्यक हस्तक्षेप करे, यह बिल्कुल नहीं चाहते हम। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मतलब जो चाहिए इसमें है सहमत नहीं, तो हम इससे सहमत नहीं डी से, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। 28, भारतीय निर्वाचन आयोग में कुल कितने चुनाव आयुक्त हैं? वो 3 हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष, डी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान सभा के किस वर्ष कामकाज शुरू किया? भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष कामकाज शुरू किया था? 1946 में किया था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो मुझे क्वेश्चन कराने थे वो मैं करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन 2 हैं जो आपके लिए हैं, कमेंट सेक्शन में इसके आंसर दीजिएगा, और अगर नहीं भी आते हैं तो सर्च कीजिएगा ताकि आपको पता तो चले, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है, ये तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मतदाता सूची का निर्माण इनमें से कौन करता है? इन दोनों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल।